उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बिजली कटौती को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने किया प्रदर्शन। मकरंद नगरज स्थित अधिशासी अभियंता के दफ्तर में किया प्रदर्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती बंद करने की मांग। कम से कम 15 दिन ग्रामीण क्षेत्रों को कटौती मुक्त करने की मांग। पूर्व प्रमुख बोले, बिजली न मिलने से नहीं बंद है मक्का की सिंचाई, न मिला पानी तो बर्बाद हो जाएगी मक्का। AXN को ज्ञापन सौंपा, किसान हित के लिए कटौती बंद करने की मांग। 2 दिन में मांग पूरी न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। कन्नौज जनपद आलू और मक्का के लिए पहचाना जाता है। इस समय मक्का सूख रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। मक्का में दाना पड़ रहा है और इस समय अगर 8 दिन पानी मक्का को न मिला तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। फसल बर्बाद हो जाएगी तो किसान बर्बाद हो जाएगा और किसान की बर्बादी में हम सबकी बर्बादी छिपी हुई है। किसान की खुशहाली में देश की खुशहाली छिपी हुई है। किसान के चेहरे में मुस्कुराहट हम सबकी मुस्कुराहट है। इसलिए मैं अनुरोध करने आया था कि 15 दिन बिजली कटौती ना की जाए, अन्य जनपदों से बिजली कटौती उधार ले ली जाए जहां पे मक्का कम होती है, क्योंकि ये मामला किसानों के जीवन से जुड़ा हुआ है, उनकी मेहनत से जुड़ा हुआ है। और मैंने पहले ही कहा, जब तक हिंदुस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आज ज्ञापन देने आया हूं, अनुरोध करने आया हूं कि AXN महोदय, आप कुछ भी करिए, ऊपर मांग रखिए, आप बात करिए कि किसानों को बिजली दे दी जाए। 15 दिन बिजली ठीक ठाक मिल जाए तो मक्का की फसल हो जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।